होपफुली आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और ज़िंदगी को इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो इसीलिए तो लाई हूँ कि ज़िंदगी को और इंजॉय कर सकें। आज की रेसिपी है चपली कबाब की, बीफ चपली कबाब की, बड़े गोश्त के चपली कबाब, जो कि बिल्कुल 5 मिनट की रेसिपी है इसकी और एकदम यमीएस्ट और ईजीएस्ट। मतलब आपने गेस्ट आ रहे हैं और फ़ौरन कुछ बनाना है, बस फ्रीज़र में सबके बीफ पड़ा हुआ होता है, वो निकाला, उसको भिगोया और फिर उसके बाद 5 मिनट के अंदर अंदर वो तैयार हो जाता है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए ये आप देख सकते हैं चिली फ्लेक्स है, सूखा धनिया, ज़ीरा और गरम मसाला मिक्स पाउडर है, काली मिर्ची हैं, सॉल्ट है, रेड चिली है और अनियन है। इसमें और यूज़ होगा कॉर्नफ्लोर और हाफ एग। चलते हैं फर्दर। मैं अब इसमें करने जा रही हूँ सब इंग्रेडिएंट्स ऐड। हाँ तो नाज़रीन, ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। अच्छा, मैं आपको मेंशन करती चलूँ कि मैंने ये लिया है 200 ग्राम्स बीफ कीमा, ठीक है, और उसमें हाफ बारीक कटी हुई प्याज डाली है और एक नॉर्मल साइज़ की जो प्याज होती है उसको हाफ आप कर लें और हाफ उसको कट करके डाल लें। हाफ एग है, सूखा धनिया, सफ़ेद जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर मिक्स करके 1 टेबल स्पून बनता है, और 1 टीस्पून काली मिर्च, चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून क्योंकि मुझे उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा लगता है, 1 टीस्पून सॉल्ट डलेगा इसमें और रेड चिली इसमें डलेगी 1/2 टीस्पून, और कॉर्नफ्लोर इसमें हमें डालना है 2 से 3 टेबल स्पून। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है और अब इसको हम हाथों से ही मिक्स करते हैं। प्याज जो है वो बिल्कुल मैंने बारीक काटी है ताकि वो जाके, इसमें हमें चॉपर की भी ज़रूरत नहीं है। आप प्याज को बारीक, मैं आपको बताऊंगी कि आपको प्याज बारीक किस तरह से काटनी है उसकी भी आपको मैं, बस अब हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। अच्छा, मोस्टली आप लोग देखते हैं कि जो बाज़ार में होता है और बहुत सी रेसिपीज़ में उसमें जो फ़ैट होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया होता है, और मैंने इसमें आप देख सकते हैं बहुत नॉर्मल फ़ैट यूज़ किया हुआ, तो ये हेल्दी, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा। चलते हैं अब इसको फ्राई कर देते हैं। ये देख सकते हैं साइज़, आप इसका बड़ा भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप ये देखें कि मैंने ये कितना पतला बनाया है, इसको बिल्कुल बारीक सा बनाना है, इसको हम बिल्कुल बारीक सा बनाएंगे ताकि ये इजीली फ्राई भी हो सके और टूटे भी नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें इसको डीप फ्राई करेंगे तो ये प्रॉपरली अंदर से कुक भी हो सके। अच्छा, आप ये अब देख सकते हैं कि मैंने इसमें एक छोटा सा होल किया है फिंगर से, इसको जैसे रखते हुए थोड़ा सा होल कर दिया ताकि ये डीप फ्राई होते हुए इसके अंदर कोई फर्क ना रह जाए, ये प्रॉपरली कुक हो जाए। ये देखें, मैंने अब इसको पलट दिया है दोनों को और आप देख सकते हैं दोनों का टेक्सचर बिल्कुल, इसको आप चिमटे से करें तो बहुत बेटर होगा, इजीली ये टूटेगा भी नहीं। ये देख सकते हैं आप, मैंने अभी इसमें ये एक और डाल दिया है कबाब। ये देखें, दूसरे आपने देखें वो शिलिंग भी हो गए हैं, देखें साइज़ उनका छोटा हो गया, और अब मैंने थोड़ा सा मीडियम हीट कर दिया ताकि वो अंदर से प्रॉपरली कुक्ड हो जाए, क्योंकि आपने देखा है कि इसमें प्रॉपर ताकि अच्छे से कुक भी हो जाए अंदर से और डीप फ्राई भी हो जाए। देख सकते हैं कि मैंने इसमें अब 4 कबाब डाल दिए हैं और 2 मेरे ये रेडी हो चुके हैं, और ये मतलब 200 ग्राम्स में आप आराम से 6 कबाब तैयार कर सकते हैं। आपकी पॉकेट इजी, पॉकेट के हिसाब से भी आपके लिए इजी रहेगा और घर में भी होगा, हेल्दी भी होगा और मार्केट में आपको कॉस्टली भी पड़ जाता है। हाइट ही इजी रेसिपी, आप देख सकते हैं कि विद इन अ मिनट, मतलब विद इन अ मिनट आपके जो है घर में ही इजीली ये रेसिपी है कबाब आपके आराम से तैयार हो सकते हैं। ओके, चलते हैं, मैं आपको उसके बाद दिखाती हूँ उसको अंदर से कट करके प्रॉपरली कुक हुआ या नहीं हुआ आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं अंदर से प्रॉपरली ये पक चुका, सही कुक हो चुका है।
यहाँ इसको हार्डली हाफ मिनट लगता है आराम से कुक हो जाता है।